एंड नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, मैं हूँ चित्राली वांडे। समरा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ला रशियाला सिक्स केरला मेडिकल स्टूडेंट है एंड मेरा नागपुर महाराष्ट्र बदला है। सो बेसिकली कल भी हमारी स्कूल सॉरी यूनिवर्सिटी की ट्रिप गई थी एंड आज भी जा रही है। आज कहाँ जा रही है? हाँ, तो आज हमें ओपन रूफ वाली बस के थ्रू समारा का टूर करवाएंगे पूरे समारा सिटी का। तो चले चलते हैं। बस तो वहाँ खड़ी है पर ओपन रूफ तो नहीं दिख रहा है, पर देखते हैं क्या होता है। स्टे ट्यून्ड एंड आज देख लेते हैं भाई समारा, क्योंकि मैं जब से समारा आई हूँ बोलगा कि जो कहीं और गई नहीं हूँ, तो इसी के थ्रू मैं देख भी लूँगी थोड़ा बहुत। चलते हैं सब लोग। ईयरफोन्स तो ऐसे लगा रहे हैं पता नहीं जैसे कि ये पोलैंड के चर्च के बारे में बता दिए। ये जो है आप देख रहे हैं पोलैंड का चर्च है। बात पर कॉल नहीं करना था। क्या बोला उसने? मैंने सुना नहीं था। हीरो 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 है वहाँ पे। हाँ, और उसके नीचे जो बैठी हीरो उसकी भाई। तो मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे आर्किटेक्चर काफी पुराना है। यहाँ पे ये बहुत साल पुराना थिएटर है एंड वो जो आप हॉर्स पे देख पा रहे हो तो जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका जो हीरो था वो है उसका बना हुआ है। हीरो ही था, बस हीरो ही नहीं थी शायद। ठीक है, तो ये था एंड इसके बाद मैं आपको एक बिल्डिंग ये दिखाती हूँ। ये ऊपर 5 मंजिल की है, नीचे 12 3 4 5 हाँ ऊपर 5 है, नीचे 12 फ्लोर की मंजिल बनाई है इन्होंने। पता नहीं कितना अंदर खुल रहा है। चलते हैं और चीज़ें देखते हैं। सबसे अच्छी रशिया की जो चीज़ है वो है यहाँ पे वॉशरूम्स अवेलेबल है लाइक यहाँ पे एंड ये पेड़ नहीं है, सबसे सही चीज़। और तुम्हें मैं दिखाती हूँ कि साफ़ सफाई। ठीक है, ये तो एक ये पॉइंट है
तो हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं, बहुत ही अच्छा वेदर है यहाँ पे, ना तो बहुत ज्यादा ठंड है ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ही परफेक्ट वेदर है। अब तुमको मैं दिखाती हूँ यार, ये वोल्गा जो रिवर है ना उसका एम्बैंकमेंट है, जैसे जैसे शाम होती है और सुंदर होते जाता है। तो यहाँ पे पूरा ऐसा बीच एरिया बना हुआ है, लाइक आ सकते हो तुम लोग यहाँ पे, लाइक अभी यहाँ पे गर्मियाँ नहीं है तो ये लोग बीच को बहुत इंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमेशा यहाँ पे बीच उस पर भीड़ रहेगी एंड तुम्हें कुछ इंडियंस भी मिलेंगे। तो ये है यहाँ का बीच, तुम्हें इंडियंस बहुत कम मिलेंगे। सही है, मतलब यहाँ पे जितने भी लोगों को चिल करना होता है वही लोग यहाँ पे आते हैं। बढ़िया, बहुत सारी भीड़ है, मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते कितना बड़ा बीच है, मतलब बहुत बहुत किलोमीटर्स में तो ये है वैसे फैला हुआ। यहीं पे आओगे वोल्गा पे, ठीक है, बट हो सकता है कि तुम्हारे आने तक यहाँ पे ठंड पड़ जाए, तो पूरी बर्फ, जब स्नोफॉल होती है पूरी की पूरी जो रिवर है वो बर्फ बन जाती है, ऊपर की लेयर तो बन ही जाती है। एक्चुअली ऐसा है कि मैंने शूज़ पहने हुए हैं तो मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहती, वरना मेरे पूरे 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 इसमें ठंड ठंड हो जाएगा, मतलब रेत रेत घुस जाएगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें बेसिकली दिखा रही हूँ, ये होता है बीच, ठीक है, बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ पे वेदर, सेफ्टी, सारी चीज़ें बहुत सही है, यही सबसे बेस्ट पार्ट है। देखो यहाँ पे ऐसे बच्चे खेल रहे हैं, इनके मैं तुम्हें एक और आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे यहाँ पे जैसे कंचे नहीं खेलते छोटे बच्चे, तो यहाँ पे ये लोग सैंड के साथ खेलते हैं, इनके पास पूरे इंस्ट्रूमेंट होते हैं सैंड के साथ खेलने के, खुदने वोदने का। देखो ये लोग ऐसे खेलते हैं सैंड के साथ, तो ऐसा है ये वोल्गा। यहाँ पे बैठते हैं लाइक 4-5 बजे से लेकर के 9-10 बजे तक के, यहाँ पे तुम्हें एम्बैंकमेंट में खाना वगैरह सब कुछ मिलता है, इंडियन नहीं मिलता, ठीक है, जो मिलता है रशियन लोग खा सकते हो। बाकी देखो यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, कितनी भीड़ है। चलो मैं चली लेती हूँ तुमको दिखाने के लिए। एंड यहाँ पे चेंज करने के लिए ना ये बॉक्सेस जो बने हैं ना, ये वाले यहाँ पे ये जगह चेंज करने के लिए, तो ऐसा होता है ये बीच, ये जो ऑरेंज ऑरेंज लगे हुए हैं ना इसके आगे आप लोग नहीं जा सकते हो। चलते भाई ऊपर, हम लोग वेट कर रहे हैं मेरा। हेलो, बारिश में तो काय करते हैं हम, कौन बात कर रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है आपको? हाँ तो भाई देखो सब लोग ऐसे बढ़िया यहाँ पे चिल कर रहे हैं, चिल मोड ऑन है ऐसे। तो ऐसा था, ये वोल्गा का एम्बैंकमेंट है, तो ये था वोल्गा का जो एम्बैंकमेंट था। आप लोग यहाँ पे आ सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंजॉय कर सकते हो, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, अच्छा है यहाँ पे, बट जब तक आप आओगे तब तक यहाँ पे बर्फ पड़ जाएगी, तो फिर से ऐसा माहौल नहीं होता, ये सिर्फ समर्स में होता है क्योंकि अभी यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं है, एक बार यहाँ ठंड पड़ जाएगी तो फिर वेदर काफ़ी चेंज होता है, तो इसलिए अगर आपको घूमना है ना तो समर्स परफेक्ट टाइम है रशिया घूमने के लिए, क्योंकि ठंड नहीं होती है ज़्यादा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट।
ничего себе. Вот это капец водички. तुम लोग जो पॉइंट देख रहे हो ये जो है ना ये रॉकेट है, यहाँ पे जो रॉकेट की कुछ फैक्ट्री वैक्ट्री है तो वो इंडिकेट करता है, इसलिए यहाँ पे इतना बड़ा रॉकेट है ये, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि लाइक यहाँ पे रॉकेट प्रोड्यूस एंड रॉकेट के पार्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, समारा में बनते हैं, मैनुफैक्चर होते हैं, जो भी है, ठीक है। तो ये वो ये बताता है, ठीक है। तुम देख सकते हो ये इतना बड़ा रॉकेट, ये बहुत फेमस है, मतलब जितने भी लोग समारा में आते हैं, मैंने तुम लोगों को लाइक अब समारा के जितने भी पॉइंट्स है जहाँ कहाँ घूमने जा सकते हो, लाइक वोल्गा, ग्लोरी मॉन्यूमेंट एंड ये रॉकेट, ये है ये जेल चीज़ है जो आप देखने जाओगे। इसके अलावा कई सारी इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज है, ब्रीविंग इंडस्ट्रीज़ है, मुझे लगता है उसको आपको देखने में इंटरेस्ट होगा। लाइक मुझे नहीं है इसलिए मैं गई नहीं, तो मैंने आपको दिखाया नहीं, तो बस दैट्स इट। मोदी दास मोदी नरेंद्र दामो दास मोदी नरेंद्र भाई मोदी जिमी सीता गीता राज कपूर राज कपूर मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन डिस्को डांसर जिमी उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंडियंस के बारे में पता है। आप यहाँ पे कहीं पे भी जाओ सबको पता होगा कि हेमा मालिनी, तुम यहाँ पे कहीं पे भी जाओ या किसी भी रशियन से मिलो, उन्हें हमेशा से पता होगा कि हेमा मालिनी कौन है, राज कपूर कौन है, मिथुन चक्रवर्ती का जिमी जिमी गाना, सीता गीता, ये कुछ चीज़ें हैं जो रशिया में बहुत फेमस है एंड वो आपको देखते ही गाने भी लग जाएंगे। तो वही वो सब बता रही थी। मज़ा आया क्या? बहुत मज़ा आया दीदी, मज़ा आया था यहाँ पर हमें। तो हमने ग्लोरी पॉइंट घूमा, हमने बियर फैक्ट्री देखा, हमने यहाँ पर चॉकलेट फैक्ट्री देखा और वोल्गा बीच देख कर आए, इतने सारी हिस्ट्री जानी हमने समारा के बारे में, बहुत मजे आया। आज कल के कंपैरिजन में आज ज्यादा अच्छा था कि कल का अच्छा था? कल का ट्रिप जो था वो ट्रैवलिंग टाइम ज्यादा हो गया था, बट आज का ट्रिप ज्यादा अच्छा रहा क्योंकि ट्रैवलिंग के साथ हमें हिस्ट्री की नॉलेज मिलती थी यहाँ पे समारा में। मुझे भी कल के कंपैरिजन में आज का टाइम ज्यादा अच्छा लगा था, ठीक ठाक था मेरे लिए, बस वोल्गा बीच सही था मेरे लिए भी। That's it. Thank you everyone. अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर देना। Thank you for watching. Bye.